that place has got that reputation. Jee. It's not just like that. Jee. Importantly, I want to ask the cast also, have you, any of you had that spooky experience? Because you must be stationed over there for that particular period of time, shooting the film day in, day out. Important factor, see, what happens when you are shooting a scary scene? Even you shoot here in Mukesh or whatever. I'll tell you an experience which I had. Was like, we were shooting in Bhangar, and we were shooting a sequence in which we used what we call those big fans to create an artificial storm. So when the storm was happening because of that artificial big fan, so I didn't know that fan will come. So it happened for a while, but after, you know, the fan stopped, and I went to some other place where I was sure that, you know, the waves of those fan can't reach. Fan can't be that powerful. But that storm was happening there also. Because I was in the storm, in that artificial storm I was there. And then I went to some 600 meters away. And that storm was also there. And I could feel the difference in my skin. That how come... It was for some very few seconds, but I could feel it, that how come this storm can come here? Because the fan is placed on 500, 600 meters back and it can't be that powerful. Yeah, so that was like one of the really spooky things which I experienced when I was shooting. Hi everyone, very good evening first of all. And मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जब सर ने मुझे ये बोला था कि हम भानगढ़ में शूट कर रहे हैं, so I was very excited because I'm very much into horror movies. I always watch horror movies. But जब हम लोग वहाँ गए, when we started shooting, I was just one day मेरा shot खत्म हुआ and I said that I'm going to my vanity. I was going and all of a sudden बहुत ही अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई. For about just 3-4 seconds, then I just stopped and I looked here and there. कोई शायद शरारत कर रहा है. मैंने दो मिनट तक मैंने I looked at bouncer कि हुआ क्या. We were like shocked कि कोई है नहीं आसपास, कुछ भी नहीं है, nothing at all. आवाज कहाँ से आई? So it scared me. क्योंकि हम जितनी जल्दी हो सके सर भानगढ़ से चलो कहीं और शूट करते हैं. सो दिस इज द इंसिडेंट. मेनी मोर इंसिडेंट्स हैपेंड बट दिस इज द वन व्हिच आई हैव जस्ट शेयर्ड विद यू. एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, आई डोंट नो वो रियल था या क्या था, पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो. क्योंकि मैं भी जब आज सोचता हूँ उस इंसिडेंट्स के बारे में तो मैं भी तकरीबन एक दो घंटे मेरे उसी में निकल जाते हैं कि क्या ये रियल था या फेक था. हम दिल्ली में शूट कर रहे थे फिरोजशाह कोटला से, वहाँ पर एक किला है फिरोजशाह कोटला में. तो वहाँ पर बच्चों का शॉट था, जो उसमें दो लड़कियाँ दिखाई गई हैं उनका एक शॉट चल रहा था. तो वो जो है काफ़ी अंधेरे से कॉरिडोर था, वहाँ से निकलकर वो सीन हो रहा था. तो मैं वहाँ से अपना शॉट करके वापस आ रहा था, लड़कियों के शॉट थे उसके बाद. तो वापस आया तो एक लड़की थी, वो कुछ 8 से 9 साल की थी और बुरके में थी. मैंने तकरीबन 10 दिन या 15 दिन उससे पहले शूट हो चुका था, उससे पहले वो लड़की नहीं देखी थी. तो वो मुझसे कहने लगी कि यहाँ पर दो लड़कियां हैं. मैंने कहा हैं, वो कहाँ है, मुझे उनके साथ खेलना है. सो मैंने कहा कि वो तो अंदर सीन कर रही हैं. तो उन्होंने, उस लड़की ने कहा कि मुझे आप उनके पास छोड़ आइए. और मैं सच में बहुत टायर्ड था, वरना मैं छोड़ा था, लेकिन वो इतना अंदर था और इतना अंधेरे में जा गया था. तो मैंने कहा बेटा जब वो बाहर आएंगे ना तब खेल लेना उनके साथ. तो वो बोली कि आप मुझे रास्ता बता दीजिए. तो मैंने उसको रास्ता बताया, वो गई. मैंने उसको जाते हुए देखा कि कितनी डेयरिंग है इसमें कि इतनी सी बच्ची अंधेरे से जा रही है बुरके में. तो वो गई और उसके बाद हमारा कुछ 3-4 दिन सीन चला वहां पर. उस लड़के को मैंने वापस नहीं देखा. सो आई डोंट नो कि वो रियल था या क्या था, हॉरर था जो भी था. तो ये सब हुआ. हम लोग शूट कर रहे थे भानगढ़ पे, ये ट्रेलर पे भी वो एक कॉरिडोर दिखाते हैं. तो बहुत ही लॉन्ग एक सीन चल रहा है, बहुत मतलब हैरी इज सर्चिंग कि मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ. तो बहुत दूर से आ रहे हैं एंड वहाँ पे ऐसा एल शेप कुछ था कॉरिडोर पे.
तो आई वॉज वेटिंग इन साइड लाइक एंड वो कैमरा एक साथ ही आ रहे थे. वो कैमरा हैरी को एक्चुअली फॉलो कर रहे थे. या स्टेडी कैम. सो बहुत मतलब मुझे पता चल जाता हैरी आके एक पॉइंट पे चीखता मेरा नाम लेके. तो मुझे मैं तो निकलती थी. तो आई हैड टू वेट फॉर लॉन्ग लाइक कब आएगा. एंड हैरी इज पूरा घूम के वो कॉरिडोर आ रहा है. तो जब भी मैं तीन चार बार हम लोग वो शूट किए थे कि लाइट की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. इतना अंधेरा था वो कॉरिडोर पे. सच में बहुत ही स्केरी था. एंड आई वॉज वेटिंग मैं और वहां पे कोई नहीं था इन साइड दैट प्लेस पर्टिकुलर. एक वो होता है ना रूम जैसे बंद वैसा कुछ. तो मैं जब भी खड़ी मतलब जब तक थी मुझे ऑलवेज लग रहा था कि शूट के वक्त कि somebody is there behind. सो मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इतना मतलब लॉन्ग सीन चल रहा है. दिलीप जी भी सब लोग हम लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए सीन क्योंकि बहुत जल्दी सन डाउन भी हो जाते हैं एंड बहुत कुछ कंप्लीट करना था हम लोगों को. तो वो फीलिंग्स आई जस्ट कांट एक्सप्लेन. और मैं जब डब कर रही थी डबिंग के टाइम आई सॉ दैट कॉरिडोर एंड दैट सीन. आई वॉज टेलिंग हैरी दैट यू नो मुझे वो याद आ रहा है एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक देयर वंस अगेन. और जब भी किसी को भी पता चला भानगढ़ के बारे में तो पीपल स्टार्टेड आस्किंग के आप लोग शूट किए हो तो हम लोग तो जा नहीं पाते परमिशन इश्यूज है दिस दैट. सो ऐसे भी आप परमिशन इश्यूज है बट यू शुड गो एंड यू शुड फील दैट वाइब्स व्हाट इज देयर. So it's really haunted and aap logon ko kuch na kuch to samajh mein aayega throughout the film. So for that we have to wait till September.